जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसके अंतर्गत इसके पहले पढ़ चुके हैं क्लोरोबीएसी फैमिली इसके अलावा अरोडो स्पायरिली एंड सल्फर बैक्टीरिया एंड नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स हैं उसके अंतर्गत एक है हमारा साइनोबैक्टेरिया और एक है हमारा प्रोक्लोरोफाइटा जिसमें हम फर्स्टली बात करते हैं साइनोबैक्टेरिया की कॉमनली जिसका नेम है ये है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है तो जो साइनोबैक्टीरिया है कैसा है ऑटोट्रोपिक तो है और इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए फाइको साइनिन एंड फाइको एरथ्रीन फाइकोसाइनिन का जो कलर है वो ब्लू है और जो फाइको एरथ्रीन है इसका कलर रेड है दे लाइव इन एक्वेटिक इन्वॉर्मेंट इंक्लूडिंग ओसियन पॉन्स लेक्स एंड मॉइस्टॉइल इन जगहों पर पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया मिलता है इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो इसका स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर कॉलोनी के फॉर्म में होता है एंड फिलामेंटस है कैसे है ये सिंगल सेल है यह सब स्ट्रक्चर में देख रहे हो साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है साइनोबैक्टेरिया की बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया के पहले इसे ब्लूग्रीन एलगी के नाम से जाना जाता था प्लांट टेक्सोनोमी सिस्टम में एलगी ग्रुप में इसे रखा गया था लेकिन यह एक प्रोक्योरेटिक ऑर्गेनिज्म है इसीलिए इसे बैक्टीरियल ग्रुप में रखा गया है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रुप सबसे बड़ा एवं साइनोबैक्टीरिया को नॉर्मल कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं आसानी से ग्रो करा सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम ऑफ साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में दो प्रकार के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं जैसे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड साइनोपैक्टीरिया के पिगमेंट सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मा में न होकर एक यूनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं इस थैलेक्वाइट के रूप में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके चारों ओर क्लोरोप्लास्ट की तरह कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल की जगह प्लांट क्लोरोफिल पाया जाता है पर्टिकुलर इसके अलावा कुछ प्रोटीन क्रटोनाइट्स भी पर्टिकुलर इस साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं इसमें जो फाइकोबिलिन्स प्रोटीन्स एंड थैलेकोइड के बीच में एक डिक्स के रूप में पाए जाते हैं एवं इनका डायमीटर चालीस नैनोमीटर होता है फाइकोबिलिंस साइनोबैक्टीरिया में एक मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं एवं फोटो रेस्पायरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्ट सिस्टम में थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सोर्स। इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स वाटर है कुछ स्पेशल फोटो uh, सिस्टम इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में इसमें यूज किए जाते हैं स्पेशली एनऑक्सीजनिक फोटो सिंथेटिक इसके रेस्पायरेशन की बात की जाए तो इसमें जो रेस्पायरेशन है मेनली एनरोपिक होता है इसके एग्जाम्पल की बात की जाए साइनोबैक्टेरिया की तो सीडोमोनास हो गया क्लोरोबैक्टर हो गया साइनोबैक्टीरिया आदि के रूप जो है इसमें आते हैं नेक्स्ट जो है वो है प्रोक्लोरोटा प्लोक्लोरोफाटा द ऑनली ग्रुप ऑफ फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया जो प्लोक्लोरोफाटा प्लो, 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 है वह एक ऐसा ग्रुप है जो कैसा है फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया है टू हैव बोथ इसमें क्लोराफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सेकेंड बी इज़ येलो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल बी होता है इसका जो कलर है येलो ग्रीन पिगमेंट्स मतलब येलो एंड ग्रीन कलर का क्लोरोफिल uh, जो पिगमेंट्स इसमें पाया जाता है दैट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी जो क्या करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इज नॉट एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल ए सम मेम्रेन ऑफ सम मेम्बर्स ऑफ फोटो प्रोक्लोरोफाइटा कैन बी फाउंड एज सिम्बाइट इन द श्यू ऑफ मरीन वर्टिव ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ब्लू क्लोरोफाइटा का स्ट्रक्चर है नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्लो क्लोरोफाइटा के अंतर्गत कि जो क्लोरोफाइटा होता है इस ग्रुप के इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म भी 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 क्या होता है जो पर्टिकुलर जो फ्लोरो क्लोरोफाइटा है इस ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दो प्रकार का फोटो सिस्टम पाया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड दो प्रकार का फोटो सिस्टम इसमें पाया जाता है फिर नेक्स्ट बात आती है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरेडिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात की जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में वाटर का यूज़ किया जाता है एवं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इनमें एनारोबिक रेस्पारेशन पाया जाता है इस ग्रुप में बैक्टीरिया नेचर में बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं मतलब इस प्रकार के जो ग्रुप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसा होता है बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं इसके अलावा ये जो फोटो बैक्टीरिया है इसकी अगर बात की जाए जो प्रोक्लोरोफाइटा है जो इसमें फोटो सिस्टम दो प्रकार के पाए जाते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड इसमें जो वाटर प्रेजेंट हो वाटर प्रेजेंट होता है वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे वर्क करता है ऑक्सीडेशन एंड जो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें जो क्लोरोफिल एंड जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑक्सीजन है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल क्या पाया जाता है इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड क्रटोनाइट इसमें पर्टिकुलर प्रेजेंट होता है और ये जो क्लोरोफाइटा है ये कैसा है न्यूली एस्टैब्लिस्ड ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स है जिसमें साइनोबैक्टीरिया के समान ही इसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है